दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के ज्ञान पर। दोस्तों आज है 11 दिसंबर, एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 विभागों के अंतर्गत बम्पर भर्तियां निकली है। रेलवे में भी जनवरी 2021 की बड़ी भर्ती है। एयरपोर्ट और भारतीय कपास निगम के अंतर्गत भी यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। बैंकिंग सेक्टर और बिजली विभाग में भी सीधी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। महिला और पुरुष बहुत अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भर्तियों के लिए इनमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा और ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो कि आउट हो चुकी है, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेलवे सेक्टर में। मेट्रो रेल के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन की, वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 20,000 से 60,000 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। UROBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹400 आवेदन शुल्क है। SC ST वोमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹150 शुल्क है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मुंबई महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। mahametro.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 14 दिसंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 जनवरी 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 21 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी मेट्रो रेल में निकली है। सेकंड नोटिफिकेशन है, मेट्रो रेल के अंतर्गत आउट हो चुका है। स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, सेक्शन इंजीनियर और JEE जूनियर इंजीनियर के यहाँ पर वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन से आप सिंपली वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। बात अगर सैलरी की जाए तो स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर या ट्रेन कंट्रोलर के लिए 33,000 से 1,00,000 प्रति माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन इंजीनियर के लिए 40,000 से 1,25,000 प्रति माह के लिए है। जूनियर इंजीनियर JEE के लिए 33,000 से 1,00,000 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। जनरल UROBC EWS के लिए ₹400 शुल्क है। SC ST फीमेल के लिए 150 है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइको टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। मुंबई महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फिर फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। mahametro.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन की बात की जाए तो आवेदन स्टार्ट होंगे 14 दिसंबर 2020 से। अंतिम तिथि अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 जनवरी 2021 है। फीस पेमेंट करने की भी अंतिम तिथि 21 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। NPCIL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस की, वेरियस वैकेंसीज है। NPCIL रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10th पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 16 से 24 वर्ष है। आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट से सीधा चयन किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। NPCIL.NIC.IN इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 11 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। भारतीय कपास निगम के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी MT, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव JCE और जूनियर असिस्टेंट JEE की वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। सैलरी मैनेजमेंट ट्रेनी MT के लिए 30,000 से 1,20,000 प्रति माह के लिए है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए 22,000 से 90,000 प्रति माह के लिए सैलरी है। BSc BCom MBA CA से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC EWS के लिए ₹1,500 शुल्क है। SC ST EX सर्विसमैन PWD के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है।
पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। cotoncorporation.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 9 दिसंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग PSC के अंतर्गत ये भर्ती है। एक ही पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 27,750 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री इन इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। जनरल EWS जो HP कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपये शुल्क है। जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क है। SC ST PWD और अदर रिजर्व कैटेगरी जो HP के हैं उनके लिए 100 रुपये शुल्क है। फीमेल EX सर्विसमैन जो HP के उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। hppsc.hp.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 5 जनवरी 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस की। 159 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 15,000 है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 12,000 है। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 26 वर्ष है। शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी मेरिट से होगा, बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू की भर्ती है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। AI.AERO पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 दिसंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है विद्युत सहायक JEE की। वेरियस वैकेंसीज है। 37,000 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। BBTech से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। SC, BC और EWS के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। SC ST के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम या रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है। UGVCL.com पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन 8 दिसंबर 2020 से चल रहे हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 दिसंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में निकली है। बिजली विभाग में सहायक की पोस्ट है। वेरियस वैकेंसीज है। 12,400 से 47,400 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 52 वर्ष है। जनरल OBC MOBC के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST के लिए 250 रुपये। पेमेंट आप डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा OMR बेस्ड रिटर्न टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है। APGCL.org पोर्टल से आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 18 दिसंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बैंकिंग सेक्टर में। एक्सिम बैंक के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी MT की। वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 40,000 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट MBA BBTech LLB से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 25 वर्ष आयु सीमा है। जनरल OBC EWS के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWD के लिए 100 रुपये फीस है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म भर सकते हो। EximBankIndia.in इस पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे 19 दिसंबर 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 दिसंबर 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर में। पोस्ट है सुपरवाइजर, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च असिस्टेंट की। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी सुपरवाइजर रिसर्च असिस्टेंट के लिए 18,000 से 32,000 पर मंथ के लिए है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए 15,000 से 32,000 प्रति माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के होगा। इंटरव्यू के आधार पे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो।
महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। actrec.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन करने की 15 दिसंबर 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 11 दिसंबर 2020 की टॉप 10 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।